सो ये मैंने जो वेयर करा है ये कार्डिगन एंड ये टॉप और ये इयर रिंग मेरे नेक्स्ट शीन हॉल में आपको देखने को मिलेगी. सो स्टे ट्यून्ड. सो वेलकम टू टुडेज वीडियो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होप यू आर गुड गाइस. आई एम बैक विद पार्टी वेयर हॉल. फाइनली मैं पार्टी वेयर हॉल कर रही हूँ क्योंकि आपकी बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि मैं पार्टी वेयर हॉल क्यों नहीं कर रही हूँ. तो मैं पार्टी वेयर के साथ आपको ये दिखाऊंगी कि आप विंटर के पार्टी में कैसे स्टाइल कर सकते हो. क्योंकि हम लेके आ रहा हूँ विंटर्स के टाइम में कुछ भी हो जाए पार्टीज में हम जैकेट स्वेटर्स नहीं डालते हैं और ये सबके साथ है, मेरे साथ भी है, बट ऐसा नहीं है. आप अच्छे यू नो स्वेटर डाल के भी आप स्टाइलिश लग सकते हो. एक पॉइंट पे आपको कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि पूरी पार्टीज आप वो करके नहीं कर बिता सकते हो. सो इसलिए मैं ये हॉल आपके लिए स्पेशली लेकर आई हूँ. मैंने कोशिश की है कि इस विंटर्स वेडिंग में आपको हेल्प हो. मैं दिखाऊंगी आज आपको कि विंटर्स में बिना ऊ के आप बहुत स्टाइलिश लग सकते हो, जैकेट के साथ भी बहुत स्टाइलिश लग सकते हो. अगर आपके घर में शादी है और आपको वेडिंग फंक्शन अटेंड करना है तो ये हॉल आपके लिए है. सो ये हॉल बिल्कुल भी मिस नहीं करें. और पसंद आए तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कॉमेंट में मुझे जरूर से बताएं कि आज के हॉल में आपको मेरी कौन सी लुक अच्छी लगी. सो विदाउट फर्दर लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो. सो माय फर्स्ट आइटम इज दिस पिंक एंड ऑफ व्हाइट साड़ी, लहंगा साड़ी. मटेरियल पॉली जॉर्जेट एंड बहुत ही खूबसूरत तो लहंगा साड़ी है ये. बहुत ही लाइट वेट है, मटेरियल बहुत ज्यादा सुपर फाइन लगी मुझे. एंड सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये अटैच पेटीकोट के साथ है तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पहनने की जरूरत नहीं है, आप बहुत कंफर्टेबल फील करोगे. मेरा साइज इस पे मीडियम है, आपको सारे साइज मिलेंगे इस पे. एंड ब्लाउज मटेरियल इज आर्ट सिल्क और ब्लाउज का मटेरियल बहुत ज्यादा ऑसम है. जनरली जब ऐसी साड़ी होती है तो ब्लाउज मटेरियल उतनी अच्छी नहीं मिलती, बस इसकी ब्लाउज की मटेरियल बहुत ऑसम है. एंड जितना मैं आपको दिखा रही हूँ कपड़ा उतना ही ब्लाउज का है. सो आराम से मुझे लगता है फुल स्लीव और थ्री क्वार्टर स्लीव बहुत अच्छे से बन जाएगी. एंड इसके साथ ये लेस भी दी हुई है जिसे आप स्लीव या फिर वेस्ट पे आराम से लगा सकते हैं. एंड मैंने इसके साथ पेयर करा है ब्लैक सीक्वेंस जैकेट जिसका मटेरियल कॉटन है एंड इस पर मैंने मीडियम साइज ली है. सो नाइट के टाइम पे ये जैकेट और भी ज़्यादा गॉर्जियस लगेगी, पार्टीज में बहुत अच्छे से शाइन करेगी. आप इसके साथ कोई भी साड़ी पहन सकते हैं, लाइक प्रिंटेड साड़ी, सिंपल साड़ी, किसी भी तरह के साड़ी के साथ ये जैकेट बहुत अच्छी लगेगी और इस विंटर सीजन के लिए परफेक्ट है. एंड आई रिकमेंड बोथ, मैं साड़ी भी रिकमेंड करूँगी एंड ये जैकेट भी रिकमेंड करूँगी. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds chirping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so. We must merely make a start. Savannah. So माई नेक्स्ट आइटम इज दिस. ये तीनों चीज मैंने मिंत्रा से मंगाई है एंड मैंने ये हल्दी फंक्शन के लिए क्रिएट किया है. सो येलो सॉलिड मैक्सी स्कर्ट है, मटेरियल 100% विस्कॉस है, गोटा पट्टी डिटेलिंग के साथ है. बहुत ही खूबसूरत गॉर्जियस स्कर्ट है ये एंड आप देख सकते हैं नीचे की तरफ पूरा गोटा पट्टी वर्क है. घेर बहुत ज्यादा है स्कर्ट की, बहुत ही ज्यादा है. इनर लाइनिंग नहीं है इस पे, तो थोड़ा सा सी थ्रू है. एंड मुझे सिर्फ एक चीज इस स्कर्ट की अच्छी नहीं लगी, इसकी जो साइड की होती है जितना मतलब घेर है उस हिसाब से स्कर्ट आप क्या हो रहा है ना, फ्रंट पे थोड़ा सा अप हो जा रहा है और साइड पे थोड़ा सा झूल जा रहा है. लाइक मोस्टली स्कर्ट और जो लहंगे होते हैं वो अम्ब्रेला कट के होते हैं, बट इसकी कटिंग थोड़ी सी वेट काइंड ऑफ मुझे लगी. सो इस पे मैंने एक मैक्सी स्कर्ट और मैं पहन चुकी हूँ येलो कलर की, तो मैं उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, वो आप चेक कर लें. दो मैक्सी का मैं दूंगी जो मैं ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ, मुझे लगता है इससे बेटर वो लगेगी. एंड इसके साथ मैंने ये दुपट्टा मंगाया है जो कि प्रिंटेड दुपट्टा है, शिफॉन का 2.5 मीटर की दुपट्टा है. एंड दुपट्टा आप चाहे तो लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगी. यहाँ पे आपको दुपट्टा और स्कर्ट दिख रही होगी, बिल्कुल मैचिंग है, बट स्कर्ट की कलर थोड़ी सी लाइट पड़ जा रही है, वो कैमरा में नजर नहीं आ रही, इसलिए मैं दो ऑप्शंस आपको दूंगी, आप वो जरूर ट्राई करें. एंड उसके साथ मैंने पेयर करा है ये ऑफ व्हाइट सॉलिड स्वेटर, हाईनेक के साथ है, लॉन्ग स्लीव है. आप चाहे तो इस पे क्रॉप स्वेटर भी ट्राई कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग में कंफर्टेबल नहीं है, अगर आप है तो ये बहुत अच्छी लगेगी. हल्दी के लिए परफेक्ट है, मैंने बस एक नेकपीस डाला है, ये बहुत गॉर्जियस मुझे पर्सनली लग रही है, मुझे पहनकर बहुत मजा आया. अगर आप ठंडे में कोई हल्दी फंक्शन अटेंड करना चाहते हैं तो ऐसा लुक आप क्रिएट कर सकते हैं. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah, I'm coming on. Savannah, we'll never.
नेक्स्ट आइटम इज दिस पिंक कुर्ता सेट विद सलवार. मटेरियल इज पॉलीक्रेप एंड दिस कुर्ता हैज अ की होल नेक लाइन, थ्री क्वार्टर स्लीव के साथ है. फिश कट इसकी डिटेलिंग है, बहुत अच्छी लग रही है. फ्लेयर बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा है. एंड सलवार के साथ ये बेस्ट पार्ट है. पूरी प्लेन कुर्ती है, गोटा पट्टी वर्क है. एंड इसमें मैंने पेयर करा है ये पिंक सिक्वन जैकेट जिसका मटेरियल पॉलिस्टर है. एंड साइज मेरा स्मॉल है जैकेट पे, कुर्ती पे मेरा साइज मीडियम है. एंड ये जैकेट मुझे थोड़ी सी फिटिंग हो रही है, मैं इस पर एक साइज आप ही आपको सजेस्ट करूंगी क्योंकि स्मॉल साइज मुझे अच्छे से आ जाती है, बट ये बहुत ज़्यादा फिट हो रही है. एंड अगर आप चाहें तो इस जैकेट को वेस्टर्न पे भी फ्यूचर में वेयर कर सकते हैं, किसी भी सॉलिड साड़ी के साथ वेयर कर सकते हैं, सूट, ब्लैक सूट, व्हाइट सूट के साथ भी बहुत अच्छी लगेगी. सो बहुत सारे मल्टीपल यूज हैं. एंड विंटर्स के वेडिंग के टाइम पे ऐसे ऐसे सिक्वेंस जैकेट बहुत अच्छे लगते हैं जहाँ पे आपको बहुत ही कोजी कोजी स्वेटर नहीं पहनना है और बट आपको थोड़ी सी सर्दी लग रही है, तो उसके लिए परफेक्ट है. मैं दोनों चीज रिकमेंड करूंगी. ब्लैक फ्लोरल सिल्क प्रिंट फ्लेयर्ड स्कर्ट, मटेरियल इज सिल्क एंड इनर लाइनिंग के साथ है. ये जो प्रिंट्स आप देख रहे हैं फॉइल प्रिंट है, इस पर आपको कलर ऑप्शन और भी मिलेंगे. एंड इस पर मेरा साइज 28 है और मुझे इसको पहनने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, मैं इसे साइज एक्सचेंज करने वाली हूँ. रीज़न ये है कि साइड से इसकी जिप नहीं है, तो अगर स्कर्ट में और या लहंगे में जिप नहीं होती है तो उसको डालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. तो ये चीज़ है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें. एंड इस पर मैंने पेयर करा है ये ब्लैक कलर की स्वेटर जो कि मैंने शीन से ली है, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. सो इस स्कर्ट में आप कोई भी बीच कलर का स्वेटर भी पेयर कर सकते हैं, आप दुपट्टा भी वेयर कर सकते हैं, वो भी बहुत गॉर्जियस लगेगी. मैंने थोड़ा सा ये सिंपल लुक रखने के लिए इस पर दुपट्टा वेयर नहीं करा है, मैंने इस पर सिर्फ ब्लैक स्वेटर डाल दिया और मुझे ये बहुत ज़्यादा गॉर्जियस लग रही है. एंड ये एक नेक पीस, कोई भी इयररिंग नहीं, मांगटीका नहीं, और मुझे ये लुक बहुत ज़्यादा पसंद आई. तो इस विंटर्स के लिए ये परफेक्ट है. लाइक आपको ठंडी भी नहीं लगेगी और सेम टाइम पे आप बहुत स्टाइलिश भी लगोगे. तो स्कर्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई, इस तरह के और भी बहुत सारे स्कर्ट के ऑप्शन है, वो आप चेक कर सकते हैं, बट इस तरीके से आप जरूर इसे पेयर कर सकते हैं स्वेटर के साथ. नेक्स्ट एंड लास्ट आइटम इज दिस पिंक सॉलिड गोटा पट्टी कुर्ता विद ट्राउजर. मटेरियल इज पॉलीक्रेप एंड दिस कुर्ता हैज अ बोट नेक, शॉर्ट स्लीव, स्ट्रेट हेम के साथ है. बहुत ही लाइट वेट कुर्ती है एंड कंफर्टेबल लगी मुझे. मटेरियल बहुत ज्यादा लाइट वेट है. एंड इसके साथ मैंने पेयर करा है ऑफ वाइट पिंक प्रिंटेड लॉन्ग लाइन ओपन फ्रंट एथनिक जैकेट जिसका मटेरियल कॉटन है. एंड डे टाइम पार्टीज के लिए परफेक्ट है, लाइक अगर दिन में कोई शादी है तो उसके लिए परफेक्ट है ये कुर्ती सेट को मैंने इस जैकेट के साथ स्टाइल करा है. विंटर्स के टाइम पे आप ज़्यादा ये ट्राई करें कि इस टाइप की जैकेट्स आप अपने वार्डरोब में रखें, आप उसे पेयर करें ऐसी किसी भी सिंपल कुर्ती सेट के साथ, वो बहुत गॉर्जियस लगती है एंड आपको ठंडे से भी बचाती है. सो जैकेट का मटेरियल कॉटन है एंड इसका पॉलीक्रेप है, तो मुझे दोनों ही पसंद आई. लाइट वेट है काफ़ी, आप आराम से किसी भी छोटे मोटे फंक्शन में, विंटर के फंक्शन में वेयर कर सकते हैं इसे, और समर्स में भी आप इसे इजीली कैरी कर सकते हैं, तो ये बेस्ट है. हेल्पफुल हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे. एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे. बाय गाइस.